वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रोफेसर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग का होने वाला है सब एनिमल रेस्क्यू पे वीडियो है, क्योंकि मतलब पहले पहले के मैंने जो एनिमल रेस्क्यू करके वीडियो रखा था वो आज मैं पोस्ट करूंगा, और कल हम लोगों ने मुर्गियाँ रेस्क्यू किया था क्रॉफर्ड मार्केट से, तो आज वो वाला वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो अभी चलो फटाफट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलो सुनते हैं। तो अभी हम लोग मुर्गियाँ खरीद रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वो मुर्गियाँ होती है जो एग ले करने के लिए बहुत टाइम पीरियड तक एक ही केज में होती है, फिर इन लोग के बाद इन लोग को चिकन शॉप पे भेज दिया जाता है खाने के लिए फॉर मीट पर्पज़। तो फ्रेंड्स, इन लोग ने बहुत सा मतलब जब से इन लोग बड़े होते हैं तभी से छोटे से केज में ही होते हैं, जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। हम लोग आज ये मुर्गियाँ रेस्क्यू करने आए हैं, तो अभी फटाफट हम लोग इन लोग को लेके जाएंगे और एक प्रॉपर प्लेस पर छोड़ेंगे जिधर उन लोग रह सके। तो अभी हम लोग ने इधर से टोटल 10 पीस रेस्क्यू किया है, क्योंकि इससे पहले भी, और ये वाला चेंज करा दिया था मैंने क्योंकि फ्रेंड्स वो मतलब जीने की हालत में नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ रेस्क्यू किया था। मैंने कम से कम 40 मुर्गियाँ रेस्क्यू किया था। ये वाली नहीं, जो गाउटी आती है, उन लोग में से एक भी नहीं जिया, उसका भी वीडियो आ जाएगी आगे, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इतनी सारी मुर्गियाँ। तो मैं फटाफट इन लोग को पैक करा रहा हूँ और पैक करा के लेके जाऊँगा एक अच्छे से, मतलब केज बनाया हम लोग ने पहले, वो केज में रहेंगे थोड़े दिन, क्योंकि इन लोग को बाहर का कुछ भी आदत नहीं है और इन लोगों ने कभी मोस्टली सनलाइट देखा नहीं। अभी लोग जो केज में आए इसके वजह से इन लोग को सनलाइट मिल रहा है, नहीं तो इन लोग ने सनलाइट भी देखा नहीं है कभी। तो अभी फटाफट हम लोग जाके इन लोग को लेके जाके थोड़ा फीड देंगे, थोड़ा कैल्शियम वेल्शियम देंगे और देखते आगे क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हाल होती है इधर की सब मुर्गियों की जो भी बचती है, मतलब जो नहीं बचा सकते हम लोग। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये सिनेमेटिक इन्जॉय करो आप ये मुर्गियों का, आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये लोग ऐसे बहुत टाइम तक एक ही केज में रहते हैं, और ये जो खाना देख रहे वही खाना खाना। तो फ्रेंड्स ये जो खा रहे हैं इसको बोलते हैं चिकन मैक्स, ये एक वेट गेनर होता है ये मुर्गियों का। ये लोग मोस्ट प्रोबेबली यही फूड खाते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे केज में जिन लोग में इन लोग को जगह भी नहीं रहता, इन लोग में इन लोग की लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर लास्ट में इन लोग किसी ना किसी के प्लेट में होते। तो अभी लोग हम लोग फटाफट लेके जाएंगे और वो आपको आगे देखने मिलेगा। अभी हम लोग फ्रेंड्स गए थे एक बैट रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि मतलब एक जगह पे था तो मुझे मेरे पापा के फ्रेंड ने कॉल किया था कि भाई एक जगह पे बैट है, प्लीज़ उन्हें रेस्क्यू कर लो, ये उड़ नहीं पा रहा है। तो हम लोग ने फटाफट गए और वहाँ से इन लोग को रेस्क्यू कर लिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी लेके हम लोग इसको घर पे चले जाएंगे, तो अभी हमें इसे घर पर लेके जा रहा हूँ। थोड़ा गीला है बाहर का रास्ता, क्योंकि पहले की वीडियो फ्रेंड्स अभी की नहीं है। ये बैट को हम लोग ने फटाफट घर पर लेके जाके थोड़ा सा ग्लूकोज दिया था, और फ्रेंड मैंने इसको कपड़े से उठाया हूँ, तो आप लोग ऐसा विदाउट ग्लव्स के नहीं उठाना, क्योंकि मेरे को आदत है ये उठाने की, और मेरे बास्केट बहुत ज़्यादा गंदी थी, जल्दी जल्दी में मेरे को कॉल आ गया था, मैं बाहर से चले गया था। तो अभी हम लोग अभी इसको मैं अंजीर दे रहा हूँ फ्रेंड, जो नॉर्मली जो झाड़ पे होती है ना, इन लोग को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो। तो अभी हम लोग ने इसको फटाफट वो दिया है, पहले इसको ग्लूकोज दिया था, फिर उसके बाद इसने फीड ले लिया। तो अभी इसको मैं फटाफट दूसरे केज में ट्रांसफ़र करूँगा, और उसके बाद मे बी कल तक इसको फ्री कर दूँगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने इसको फटाफट दूसरे वाले केज में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे इसको आजू बाजू का भी दिखे। इसको स्लाइटली इसके आँखी में इन्फेक्शन था, जिसके वजह से उसको दिख रहा नहीं था, तो हम लोग ने आई ड्रॉप डाला है, और अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका आँखी भी ठीक हो गया है, और अभी ये हम लोग के ये अभी मेरे हाथ से भी फीड ले रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो अब इसको फटाफट हम लोग खाना देंगे, और कल तक इसको मैं मतलब रिलीज़ कर दूँगा। आज तो दो दिन पहले रेस्क्यू होकर आया था फ्रेंड ने मेरे पास, मतलब मैं ही रेस्क्यू करके आया था। देखो फ्रेंड्स, आपको उसके आँखी में डिफरेंस दिखेगा, एक आँखी रेड है और एक आँखी ब्राउन है। इसको इन्फेक्शन था और फटका भी लग गया था, जब ये उतर रहा था ना उधर से, तो इसको फटका भी लग रहा था। आज की मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और आगे आप लोगों को दिखेगा कि हम लोगों ने क्रैब्स भी रेस्क्यू किया है, तो उसका वीडियो कल आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स डाल रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी जल्दी जाके फॉलो करो। चलो बाय। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, आप लोग ने इतने सारे क्रैब रेस्क्यू करके आ गए थे, बट इसका वीडियो आज पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जाएगी। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, और ये सब क्रैब रिटर्न दरिया में जाने लगे।